हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आज झारखंड बंद का ऐलान, झामुमो ने किया किनारा। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है। आज पीएमएनएलए की विशेष कोर्ट में उनकी पेशी है। नए सीएम की घोषणा होने के बाद भी सियासी हलचल थमा नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से आदिवासी संगठनों में रोष है। आदिवासी मूल्यवासियों ने आंदोलन का रास्ता चुना है। इसको लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। झारखंड के आदिवासी और मूल्यवासी संगठनों ने गुरुवार 1 फरवरी 2024 को झारखंड बंद का ऐलान किया है। इसको लेकर राज्य भर में विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके अलावा राजधानी रांची में व्यापक विरोध प्रदर्शन होने के आसार हैं। झामुमो ने किया बंद से किनारा। इस बंद को लेकर जेएमएम ने खुद को अलग रखा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति महासचिव सह प्रवर्तक विनोद कुमार पांडे ने कहा कि विभिन्न जन संवाद माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दिनांक 1 फरवरी 2024 को बंद बुलाया गया है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से दर्शाया गया है। लेकिन झामुमो इस खबर का खंडन करती है, साथ ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील करती है। अगले आदेश तक 144 धारा लागू। आदिवासी संगठन से जुड़े युवा नेता शशि पन्ना ने भारतीय जनता पार्टी की दमनकारियों नीतियों के विरोध में कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्णबंदी का ऐलान किया गया है। मेडिकल, एम्बुलेंस और पेट्रोल पंप जैसी जरूरी सुविधाएं खुली रहेंगी। शशि पन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्यवाही की है। गलत आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया है। आदिवासी होने की वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे समाज स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सुबह से ही कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बाजार और सड़क बंद करेंगे। इस दौरान आवागमन को भी ठप किया जाएगा। इधर आदिवासी संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया जाने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। रांची में पहले से ही अगले आदेश तक धारा 144 लगाई गई है।